नमस्कार नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनवाना है, आप 18 प्लस हो चुके हैं, 18 साल एक दिन के भी हो गए हैं, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों उसके दो तरीके हैं, या तो आप ऑफलाइन रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाके, या DTO जिसके कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाके आप कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे करें और ऑफलाइन कैसे करें इसके लिए अप्लाई, दोस्तों सबसे पहले जब हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा लर्नर्स लाइसेंस बनता है, और फिर उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट होने के बाद आपका परमानेंट वैलिड लाइसेंस बनता है। उस पे कैटेगरी कौन सी होगी, सारी बातें होंगी इस वीडियो पे, लगातार बने रहिएगा। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ऑफलाइन जाते हैं मेरे प्यारे साथियों तो आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आपको चलना है। जब आप फॉर्म भरने के जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो सबसे पहला तो है आधार कार्ड, बहुत ज्यादा जरूरी है। और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो है आपका लिंक रहता है तो बहुत ही आसानी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि जब हम ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे या ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे उस दरमियान हमको ऑप्शन रहेगा कि आधार कार्ड विथ ऑथेंटिकेशन या तो आधार कार्ड के बिना। तो आपको आधार कार्ड रखना है, आपको पैन कार्ड रखना है, अपनी दो फोटो रखना है। तो आप पूरी तरीके से अपना दिमाग तैयार कर लीजिए कि आपको किस गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस किस गाड़ी के लिए चाहिए, क्योंकि कैटेगरीज हैं जैसे कि MCWG मतलब मोटरसाइकिल विथ गियर, एक कैटेगरी हो गई MCWOG मोटरसाइकिल विदाउट गियर, उसका कोई सेंस नहीं है। इसलिए मैं तो आपको कहता हूं कि आप अगर 18 प्लस हो चुके हैं तो आपको MCWG पे जाना है, मोटरसाइकिल विथ गियर, ओके। और उसके बाद है आपका LMV लाइट मोटर व्हीकल। अब उस पे क्या नॉन ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट दोनों का है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं। कई लोगों का यह सवाल रहता है कि क्या सर हम LMV लाइसेंस में कमर्शियल व्हीकल भी चला सकते हैं? जी हाँ, चला सकते हैं आप। और उसका वजन कितना होना चाहिए, 7,500 kg, मतलब कि 7,500 से ज्यादा वजन की गाड़ी आप नहीं चला पाएंगे LMV पे। तो ये नॉन ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम का समस्या खत्म, समझ गए आप। LMV में आप कमर्शियल भी गाड़ी चला सकते हैं, बशर्ते कि 7,500 kg से ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए आपका। तो उसके बाद अगर आप आगे जाते हैं एग्जामिनेटर वगैरह JCB वगैरह का अगर आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसकी कैटेगरी अलग है कि आपको किस व्हीकल के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए हैं। अब कैसे अप्लाई करना है, तो हमें ऑफिस सबसे पहले जाना है दोस्तों, पहुँच कर वहाँ पर एक आवेदन भरना है। आवेदन भरेंगे तो अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो एक उसको उसके लिए अलग व्यवस्था है। मार्कशीट वगैरह भी चाहिए होती है कहीं कहीं, तो आप जिसमें जिस अंक सूची में जिस सर्टिफिकेट में बोर्ड एग्जाम के सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहती है, लिखा रहता है, उसको लेके जाना है। वो भी एक तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ है। पहले जो था अब तो ठीक है, पहले जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला करता था, अब आजकल तो कंपलसरी हो गया, तो ये समस्या अब नहीं रह गई है। तो ऑनलाइन के लिए बने रहिए, ऑफलाइन का मैंने बता दिया, वो फॉर्म भर के आपको सबमिट करना है और एक टेस्ट होगा। उस पे पूछा जाएगा, सवाल होंगे, ट्रैफिक से संबंधित संकेतों को पढ़ के जाइएगा मेरे मित्रों, उनसे संबंधित सवाल रहेंगे कि इस रोड साइन का क्या मतलब है, इस रोड साइन का क्या मतलब है। तो ऐसे 30 से लेकर 50 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते हैं। उनको जैसे ही आप बताते हैं तो आप फॉर्म नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है, और फॉर्म नंबर 2 कंप्लीट होके आपको लर्नर्स लाइसेंस मिल जाता है। उसके बाद 1 महीने बाद आप परमानेंट वैलिड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो मैंने ऑफलाइन तरीका बताया है, इसका ऑनलाइन के लिए लगातार बने रहिए। और ये देखिए आप ऑनलाइन दोस्तों, सबसे पहले गूगल पे sarthi.parivahan.gov.in सर्च करते हैं, इस तरीके से खुल जाएगा। उसपे हम अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट नेम, अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करते हैं। फिर दोस्तों उसमें कैटेगरी है, उस पे हम कैटेगरी में जाके जनरल में कर लेते हैं। कैटेगरी यहाँ पर दोस्तों दिव्यांग जन है या प्रकार की कैटेगरी के से हैं, SC ST वगैरह इसके शामिल नहीं है दोस्तों। तो इस दिव्यांग जन है या सामान्य है, तो हम जनरल पे जाते हैं। और उसके बाद दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर, एक ऑप्शन है आपका सबमिट विया आधार ऑथेंटिकेशन, दूसरा ऑप्शन है सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। तो मैं एक बात आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर दोनों लिंक हैं तो आप आधार नंबर के थ्रू अगर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, समय बचेगा। और आपको उसके लिए इसमें लिखा हुआ है, मैं जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन कैन टेक द लर्निंग लाइसेंस लर्नर्स लाइसेंस टेस्ट फ्रॉम देयर होम, अपने घर बैठे आप जो लर्नर लाइसेंस का टेस्ट होता है वो दे सकते हैं। आपको ITO जाने की जरूरत
नहीं, उस पे आपका पासवर्ड आएगा, मैसेज के थ्रू आएगा, SMS के थ्रू, और उस पे जैसे ही आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आप सक्सेसफुली डाउनलोड भी कर सकते हैं उसको। और यदि दोस्तों आप विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन में जाएंगे तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और MLO जो मॉल रोड ऑफिस है वहां जाना पड़ेगा फिजिकली टेस्ट देने के लिए, तो वो बेहतर है कि आप आधार के थ्रू जाएं। दो ऑप्शन है आपके पास, तो आप लिए इसमें हम मोबाइल नंबर के थ्रू जाते हैं। तो सबसे पहले हमने मोबाइल नंबर दिया, जैसे मोबाइल नंबर हम उसे हैं तो हमको OTP आ जाता है, फिर वो OTP 6 अंकों का हमको लिख देना दोस्त, के बाद स्टेट, फिर पिन कोड और फिर RTO ऑफिस, जो भी आपका RTO ऑफिस लगता है उसको। फिर यहाँ पर दोस्तों पर्सनल डिटेल है, दोस्तों पर्सनल डिटेल में नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखा हुआ है, इस पे आपको फर्स्ट नेम जो आपका नाम है, अगर मिडिल नेम कुछ है आपका कुमार प्रसाद वगैरह तो लिख सकते हैं, लास्ट नेम लिखना इधर, सर नेम आपका, और फिर ये रिलेशन का आप देख सकते हैं ऑप्शन है, इस पे आप अपने मदर फादर का लिख सकते हैं रिलेशन। जेंडर है, आपका जेंडर लिखना है मेल या फीमेल, उसका डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं लिखा हुआ। फिर एज है आपकी, कितनी एज हो गई है। प्लेस ऑफ बर्थ है, तो प्लेस ऑफ बर्थ पे आपको करना है। उसके बाद कंट्रीज ऑफ बर्थ, फिर क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन में आप क्लिक करेंगे तो आपको आप 8th तक पढ़े हैं, मतलब 8th बिलो 8th, 10th 12th ग्रेजुएशन है, पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है। इलिटरेट ऑप्शन में आप अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो उस पर क्लिक करें। फिर उसके बाद आप ब्लड ग्रुप की बात करें, और फिर ब्लड ग्रुप आपको बताना है आपका, ये बहुत जरूरी भी है और बताना भी चाहिए, इमरजेंसी में बहुत काम देता है दोस्तों। मेल आईडी हमको अपनी फिलअप कर देनी है, एड्रेस में आपका जो पुलिस स्टेशन लगता है वो, लोकेशन, आपकी पिन कोड और कितने सालों से आप वहां रह रहे हैं, तो ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस। फिर आपको दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन करना है कि आप घोषणा कर रहे हैं, आप स्वतः घोषणा करते हैं, दो आपको दिखाई देते होंगे, तो पहला है डोनेट ऑर्गन्स, है ना, अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो क्या आप अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं। दूसरा है पूरा डिक्लेरेशन है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर ट्रू, जो मैंने ऊपर अपनी जानकारी दी है वो एकदम सही है। फिर दोस्तों कैप्चा है, कैप्चा पे हमने जो ऊपर नीचे लिखा हुआ है उसी को कैप्चा में लिख लेना है, सावधानी से लिखिएगा, जो इस पे ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि जो कैपिटल है वो कैपिटल, जो स्मॉल है वो स्मॉल। जब हम सबमिट की तरफ जाते हैं तो दोस्तों हमने अभी चूंकि यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की है, तो कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि किस व्हीकल के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो उस पे कैटेगरी देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विथ गियर, लाइट मोटर व्हीकल, एडॉप्टेड व्हीकल, इस टाइप की आपकी कैटेगरीज लिखी हुई हैं। तो हमें क्या करना है, अगर दोस्तों टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों का हमें लाइसेंस चाहिए तो हमें MCWG प्लस LMB, ठीक है, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया है। ये बात जैसे ही हम सबमिट करते हैं वैसे ही हमारा मैसेज आ जाता है कि योर एप्लीकेशन हैज बीन, ये 6 स्टेप लिखे हुए हैं, फिल एप्लीकेशन डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, ई शाइन डॉक्यूमेंट, फी पेमेंट, लर्नर लाइसेंस लॉट बुक, ये आप देख सकते हैं। तो इनके थ्रू आपको जैसे अभी अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पे जाना है, तो आपको अपनी फोटो अपलोड कर लेनी है, और वो फोटो अपलोड में जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके गैलरी या तो फोटो डायरेक्ट करके आप कर सकते हैं, इस पे आपकी फोटो अपलोड हो गई है। फिर से हम गए इस स्टेप पे, तो फी पेमेंट लिखा हुआ है दोस्तों, जैसे फी पेमेंट पे हम क्लिक करते हैं तो पेमेंट के ऑप्शन आ जाते हैं और इसके फीस की डिटेल आ जाती है कि उस कैटेगरी के लिए कितना, अगर आपने MCWG प्लस LMB लिया है तो लिखा है तो उस पे कितना फीस लगेगी, तरीके से लर्नर लाइसेंस का स्लॉट बुक हो जाता है। फिर और जैसे ही हमने टेस्ट दिया है, कुछ क्वेश्चन से हमको सॉल्व करना है, जैसे टेस्ट दिया वैसे ही हमारा लर्नर्स लाइसेंस जाता है, या तो स्लॉट की डेट बता दी जाती है, उस डेट पे आपका टेस्ट हो जाता है दोस्तों। तो ये रही जानकारी, और कैसा लगा ये वीडियो प्लीज बताइएगा।